इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां पाकिस्तान की सेना को दी गई। ये कहा गया कि तुम बेशर्मों ने कारगिल हरवा दिया, सियाचिन हरवा दिया, तुमको तो गंगा यमुना में फेंक देना चाहिए, डुबा देना चाहिए। और क्या ये भाषा पाकिस्तान की सेना मानेगी? हालांकि ये बात सच है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही थी पाकिस्तान में हिंसा पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। 9 मई को जमान पार्क के अंदर से दिए जा रहे थे आदेश। 9 मई को जमान पार्क यानी इमरान खान के घर के अंदर से व्हाट्सएप के जरिए हिंसा फैलाने का आदेश दिया गया। कोर कमांडर के घर पर हमला करने का आदेश दिया गया। आरोप सीधे तौर पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना के प्रति लोगों के मन में द्वेष पैदा किया, घृणा पैदा की, दुश्मनी की भावना। जिस पाकिस्तान की फौज से पाकिस्तान की आवाम बहुत प्यार करती है, उनके मन में घृणा पैदा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सेना यानी पाकिस्तान की सेना और शाबाज शरीफ सरकार पर बड़ा हमला इमरान खान का। अपराधियों मूर्खों की यह सरकार है, यह कहना है इमरान खान का। अपराधियों और मूर्खों के कब्जे में है पाकिस्तान, ये ट्वीट कर अब से थोड़ी देर पहले कहा इमरान खान ने। देश सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। देखिए बड़े गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें इमरान खान के जमान पर घर के बाहर की हैं। ये बड़े बड़े कंटेनर, ट्रक में लदे कंटेनर अब इमरान खान के घर के बाहर ला दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इन कंटेनर को जब सड़क पर रख दिया जाएगा तो इमरान खान का कोई समर्थक वहां पहुंच नहीं पाएगा और इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी अब क्या किसी भी वक्त शुरू हो सकती है इमरान खान के खिलाफ। लाहौर पुलिस अब कभी भी बड़ा एक्शन शुरू कर सकती है। घर के बाहर ये सारे कंटेनर आ गए हैं। यही नहीं, लाव लश्कर के साथ पुलिस वहां खड़ी है, सरगर्मियां तेज है। जमान पार्क से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।